रायबरेली के गहरौली गांव में प्रधान पर गोलियों से हमला करने के मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक शूटर शामिल है, जबकि एक शूटर और 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। 20 जुलाई को गहरौली गांव के प्रधान शिवकरण सिंह पर उस वक्त फायरिंग की गई जब वो अपनी गाड़ी से देर रात रायबरेली से अपने घर आ रहे थे। हमले में शिवकरण बुरी तरह जख्मी हो गया था। पुलिस के मुताबिक गांव के रहने वाले रोहित और जितेंद्र ने अपने 6 साथियों के साथ चुनावी रंजिश के चलते प्रधान की हत्या का प्लान बनाया, जिसके लिए फतेहपुर से 2 शूटर बुलाए गए थे। घटना से संबंधित कुछ 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें 4 आरोपी जो घटना कारित करने के समय और बाकी अन्य आरोपी घटना की प्लानिंग से संबंधित गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से काफ़ी संख्या में अवैध असलहे और कारतूस भी बरामद हुए हैं। इनमें 3 आरोपी अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं, जिनमें एक शूटर जितेंद्र बहुजा सोनी वो फरार है।